Welcome to A2Z Softech. I am your host Zatin. Today's topic is programming with Arduino. Arduino IDE. It is a free software. You can download it from Arduino's official website, that is arduino.cc. It is an IDE, integrated development environment. It contains a text editor jisme aap code likh sakte hain, a message area, text console, toolbar and buttons for common functions. I'll show you the screen of how it looks like. Go to the Arduino's IDE official website, that is arduino.cc. Arduino.cc. Aap website pe jayenge. Wahan par aapko download ki option aayegi. Downloads mein software. You can download your IDE version according to your operating system. For Windows, for Linux, for Macintosh. जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप अपना आर्डुइनो आईडीई यहां से डाउनलोड कर सकते हैं. हियर इज द लिंक गिवन फॉर विंडोज, मैकिंटोश एंड लिनक्स. यू कैन यूज दीज लिंक्स एज वेल. नाउ आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ आर्डुइनो आईडीई, लॉन्च द एप्लीकेशन. द सिंबल ऑफ आर्डुइनो इज लुक्स लाइक, इस पर डबल क्लिक करके आप जब आर्डुइनो खोलेंगे तो आपका आर्डुइनो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. This screen. आप देखेंगे, you'll see there are two functions, void setup and void loop. In the previous video, I have told you regarding these two functions, void setup and void loop. Setup that runs only once. Void loop that will run consecutively, or you can say that repeatedly until you switch off the power of your Arduino. Okay? आज हम एक example करेंगे LED blinking का, blinking of LED. Next is Arduino program development. जो आप Arduino में program लिखते हो, previous video में मैंने बताया था आपको, that program is called as sketch. That program is called as sketch. और उसको sketch को लिखने का जो programming environment है, वो कैसा होगा? It is like a C++ program. Okay? It is like a C++ program. Kuch instructions, kuch commands nahi hain, kuch purani hain jo C++ mein chalti thi. Do function hain, setup, loop. Setup runs first and once. Ek hi baar chalega, sabse pehle chalega. Loop over and over chalta hi rahega until unless power jab tak switch off ya power jab tak off nahi hogi. Okay? आपको स्केच को ही ओपन करना है. मेरे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा. आप आर्डुइनो आईडीई पर डबल क्लिक करेंगे लाइक दिस. आर्डुइनो आईडीई पे आपने डबल क्लिक किया, इस तरीके से आपका आर्डुइनो खुलेगा. आईडीई लोड होने दीजिए इसको. ये लोड हो गया, ये खुल गया. खुलते ही आपके पास सामने दो फंक्शंस दिखाई देंगे. ओके, कौन-कौन से ऑप्शन हैं, मेन्यू ऑप्शंस कौन से हैं? फाइल, एडिट, स्केच, टूल्स, हेल्प. ओके, फाइल में अगर आपका कोई आर्डुइनो प्रोग्राम आपने सेव किया हुआ है उसको ओपन कर सकते हो. कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी डिफाइंड है, बेसिक्स के, डिजिटल, एनालॉग, कम्युनिकेशन कंट्रोल, सेंसर्स के, कुछ आपके पास ऑलरेडी गिवन है. ईथरनेट, जीएसएम, एलसीडी, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर एंड सो ऑन. ओके, आपको इनमें से कोई एग्जाम्पल रन करना तो आप डायरेक्टली वो एग्जाम्पल खोल लीजिए. लाइक जैसे मैंने आपको बताया आज हम ब्लिंक का प्रोग्राम करेंगे. ओके, तो ब्लिंक का प्रोग्राम जो है वो इस तरीके से खुलेगा. ये आपके पास ऊपर कमेंट है, कमेंट सेक्शन इसका बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा. स्लैश स्टार स्टार स्लैश, मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट. अगर सिंगल लाइन कमेंट करना है तो डबल स्लैश से आप सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हो. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेलेक्ट द बोर्ड. बोर्ड कैसे सेलेक्ट करेंगे? गो टू द टूल्स, बोर्ड. इफ यू आर यूजिंग आर्डुइनो यूनो देन सेलेक्ट आर्डुइनो यूनो. इफ यू आर यूजिंग नैनो, यू आर यूजिंग लेनाडो, यू आर यूजिंग एनी अदर बोर्ड, तो जो भी बोर्ड आप यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर बोर्ड को आप सेलेक्ट करेंगे. ओके,
सेलेक्ट करने के बाद गेट बोर्ड इन्फो, जस्ट क्लिक ऑन अ गेट बोर्ड इन्फो, देर इज नथिंग इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड। इट मीन्स आपका बोर्ड जो है वो आपके आईडीई के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। इट मीन्स अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, इट मीन्स वॉट, आपका जो बोर्ड है आर्डुइनो बोर्ड वो आपके आईडीई के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। ओके, सो आपको अपने आर्डुइनो बोर्ड को दोबारा से ठीक से रीप्लग करना होगा। आर्डुइनो बोर्ड को आपको क्या करना होगा, रीप्लग करना होगा, जस्ट टू चेक कि उसमें कनेक्शन प्रॉपरली है। ओके, अभी मैंने भी बोर्ड कनेक्ट नहीं किया हुआ था, मैंने आपको दिखाने के लिए बोर्ड हटाया था। मेरे पास जो है आर्डुइनो यूनो बोर्ड है, मैंने सेलेक्ट किया एंड देन गेट बोर्ड इन्फो, मैं क्या क्लिक करूंगा, गेट बोर्ड इन्फो, लाइक ये गेट बोर्ड इन्फो में अभी भी कुछ नहीं आ रहा और मैंने कनेक्ट किया हुआ है। जस्ट सी टू द राइट साइड लोअर बॉटम आर्डुइनो यूनो ऑन कॉम 7, यहां पर आपका आर्डुइनो आईडीई बाय डिफॉल्ट डिटेक्ट कर रहा है देयर इज अ कॉम पोर्ट 7। कॉम पोर्ट इज अ कम्युनिकेशन पोर्ट और यू कैन सी दैट सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट 7, बट हो सकता है आपने जिस पोर्ट से कनेक्ट किया हो दैट इज नॉट 7। क्या करेंगे, फिर से पोर्ट में जाएंगे, देखेंगे कॉम 4 आपने सेलेक्ट किया, अब देखिए नीचे कॉम 7 से कॉम 4 आ गया है। नाउ चेक गेट बोर्ड इन्फो, यस इट इज शोइंग द इंफॉर्मेशन ऑफ योर बोर्ड, नाउ योर बोर्ड इज कनेक्टेड विद योर आर्डुइनो आईडीई, योर बोर्ड इज कनेक्टेड विद योर आर्डुइनो आईडीई। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हमने बोर्ड सेलेक्ट किया, नाउ नेक्स्ट इज योर सेलेक्टिंग द सीरियल पोर्ट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द हाउ टू सेलेक्ट द सीरियल पोर्ट। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज वेरीफाइड, जब आप किसी भी आइकन पे क्लिक करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक स्ट्रिंग आपके पास शो होगी। वेरीफाई मीन्स वेरीफाई और कंपाइल, यू आर वेरीफाइंग योर प्रोग्राम और यू आर कंपाइलिंग योर प्रोग्राम। ओके, वेरीफाई और कंपाइल, देन अपलोड, इट मीन्स अपलोडिंग टू द आर्डुइनो बोर्ड। अपलोड मीन्स यू आर लाइक रनिंग और एग्जीक्यूटिंग योर प्रोग्राम इन टू आर्डुइनो बोर्ड, देन न्यू, इट्स अ ऑप्शन, फाइल न्यू और न्यू, बोथ आर सेम, ओपन सेव, ओपन सेव। ओके, जब भी आपने किसी प्रोग्राम को बाय डिफॉल्ट ओपन करोगे तो वो स्केच अंडरस्कोर मंथ एंड डेट के नाम से आएगा, जो बाय डिफॉल्ट फाइल आएगी। अगर आपने न्यू करके खोलेंगे तो स्केच मार्च 25C, पहले वाली ए, बीच में हमने एक बार और एग्जांपल खोला था सी, अब आप एक और न्यू कर लीजिए, आप देखेंगे इस फाइल का जो नाम है स्केच अंडरस्कोर मार्च 25D, बाय डिफॉल्ट उसकी सीरियल ऑर्डर में नंबरिंग करता चला जाएगा ये। ओके, इफ यू वॉन्ट टू वेरीफाई दिस प्रोग्राम, आप वेरीफाई कर सकते हैं, अनटिल अनलेस आपने अपने आर्डुइनो बोर्ड को कनेक्ट नहीं किया हो यू कैन नॉट अपलोड, बिकॉज अपलोडिंग विल डन इन आर्डुइनो, फॉर दैट यू नीड टू कनेक्ट योर आर्डुइनो बोर्ड विद योर लैपटॉप और डेस्कटॉप और कंप्यूटर। नाउ दिस सिंबल इज फॉर सीरियल मॉनिटर, सीरियल मॉनिटर मीन्स आपने अपने आर्डुइनो बोर्ड के अंदर जो प्रोग्राम लिखा है, जो प्रोग्राम आपने अपलोड किया, राइट किया है, उस प्रोग्राम के लिए आपको अगर किसी सीरियल किसी डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट है तो आपका आर्डुइनो आईडीई बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड करता है, एक ऑप्शन देता है आपको, लाइक आप अपने कंप्यूटर का ही जो स्क्रीन है उसको आप यूज कर सकते हो। सीरियल मॉनिटर पे क्लिक करेंगे आप, आपको इस तरीके से एक कॉम 4 के ऊपर सीरियल मॉनिटर खुल जाएगा। लाइक आपने कुछ इस तरह का कमांड दिया है, जैसे आप C++ जावा के प्रोग्राम्स में करते थे, एंटर फर्स्ट नंबर, आप नंबर देंगे, उस तरह की अगर आपने इनपुट लेनी है तो आप यहां से इनपुट ले सकते हो, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स से सेंड करेंगे तो वो कहां जाएगा, आर्डुइनो में। यहां पर आपको बॉड रेट सेट करनी पड़ेगी और बाकी ऑप्शन देनी पड़ेगी, लेटर ऑन वी विल डू प्रोग्रामिंग दैट विल शो यू दैट हाउ सीरियल मॉनिटर वर्क्स। ओके, तब हम सीरियल मॉनिटर में उसको यूज करेंगे। ओके, नाउ लेट, हमने एक मल्टी लाइन कमेंट लिखा है इसमें, ओके, एंड उसके बाद हमने प्रोग्राम लिखा है। सेटअप, वॉइड सेटअप क्या करता है, आपके मोड को सेट करता है, आपने जो डेफिनेशन डिक्लेरेशन करनी है उस चीज को आप वो पहले ही सेटअप में करोगे जो एक ही बार काम होना है, एंड लूप में क्या काम होगा, जो आप कंटिन्यूसली बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो काम। ओके,
कुछ इंस्ट्रक्शंस नई होंगी जो आपके लिए, वो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। लाइक यहाँ पर पिन मोड, डिजिटल राइट, एलईडी बिल्ट इन, हाई लो, ये सब नई इंस्ट्रक्शंस हैं। अभी इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर प्रोग्राम का सेम है, सेमी कॉलन से एंड होगा, ब्रैकेट है, ब्रेसिस है, वॉइड है, बाकी सारी चीजें सी प्लस प्लस की तरह ही काम करेंगी। ओके, दिस वॉज योर अबाउट प्रोग्राम। ओके, I have already told you like these things. The development cycle of a program is divided into four phases. Edit means you are writing something, you are writing your program. Then you are compiling, compile or verify. अगर कोई प्रोग्राम में कहीं एरर है, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, सेमीकॉलन नहीं लगाया, कुछ इस तरह का कोई भी एरर है, तो आप कंपाइल टाइम पर चेक कर सकते हैं। Then upload means writing your program to the Arduino board. Writing your program to your Arduino board. Then run. Run means you are supplying power to your Arduino board and your Arduino board is function according to the program written inside the Arduino. Okay? Structure of Arduino sketch or program, I've already told you. Setup, loop, I think you all are very clear about these two functions. Now, pin mode. अब देखेंगे, अगर कन्वेंशन ध्यान से देखेंगे तो इसकी कन्वेंशन, कन्वेंशन मीन्स तरीका जिससे फंक्शंस लिखे गए हैं, दैट इज मच 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 सिमिलर टू द जावा। पिन में पी आई एन स्मॉल है, मोड का एम कैपिटल है। सिमिलरली डिजिटल राइट, डिजिटल रीड, इन सब में भी यही काम है। ओके, नाउ पिन मोड। पिन मोड एक ऐसा फंक्शन है जो आपको बताता है कि आपके आर्डुइनो बोर्ड में जो भी पिन आप यूज कर रहे हो, वो पिन आप एज अ इनपुट यूज कराओगे प्रोग्राम में या एज एन आउटपुट यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने पिन का नंबर लिखा पिन मोड 2, इनपुट और आउटपुट। सो इससे आप जब प्रोग्राम में आगे यूज करोगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सी पिन इनपुट है, कौन सी पिन आउटपुट है। आर्डुइनो को भी पता रहेगा उसको किस पिन से इनपुट का काम कराना है, किस पिन से आउटपुट का काम कराना है। इट मीन्स पिन मोड स्पेसिफाइज व्हाट, which is your reading and which is your writing pin. Okay, through which pin you are reading or through which pin you are writing. Okay, it configures a digital pin to read or write. ये क्या करेगा, read or write कराने के लिए, यानी कि input as well as output के लिए आपको pin को define करने के लिए pin mode function use किया जाएगा। Second is digital write. आपको मैंने Arduino की जब स्पेसिफिकेशन कराई थी बोर्ड की इन द लेक्चर 1 और 2, तब मैंने बताया था आपको देर आर टू टाइप्स ऑफ इनपुट सिग्नल्स और आउटपुट सिग्नल्स विद Arduino। फर्स्ट इज एनालॉग, सेकंड इज डिजिटल। मींस हम Arduino के में एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह की सिग्नल्स की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल सिग्नल को यूज कर रहे हो तो आप डिजिटल सिग्नल को रीड भी कर सकते हो, आप डिजिटल सिग्नल को राइट भी कर सकते हो। अगर आप एनालॉग सिग्नल यूज कर रहे हो, आप एनालॉग सिग्नल को रीड भी कर सकते हो, आप एनालॉग सिग्नल को राइट भी कर सकते हो। फॉर राइटिंग डिजिटल वैल्यू यू विल यूज डिजिटल राइट फंक्शन। डिजिटल राइट फंक्शन, इट विल राइट द डिजिटल वैल्यू। डिजिटल वैल्यू इज आइदर ऑन और ऑफ, आइदर लो और हाई, आइदर 0 or 1। ओके, there are two discrete values, either 0 or 1, high or low, low or high, on off, off on, इनके अलावा कुछ और नहीं होगा डिजिटल में। okay, writes the digital value high or low to a pin set for output, जो भी पिन आपने आउटपुट होगा। now one more thing, digital write will work with the output. it means जिस पिन को आपने पिन मोड में आउटपुट सेट किया होगा, डिजिटल राइट उसी पिन के ऊपर काम करेगा। बिकॉज राइटिंग मीन्स आउटपुट, आप बाहर कोई सप्लाई प्रोवाइड करो, दैट इज यू आर राइटिंग समथिंग, यू आर गिविंग आउटपुट। सिमिलरली पिन मोड में जिस पिन को आपने रीड में सेट किया होगा, इनपुट में सेट किया होगा, उसके साथ कौन सा फंक्शन काम करेगा, डिजिटल रीड। और डिजिटल रीड में देखिए कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज वैल्यू कहां से आएगी, जो भी वो सेंसर से या पिन से एग्जैक्ट वैल्यू रिसीव कर रहा है वही वैल्यू वो आपको आगे प्रोवाइड कर देगा। आपको वैल्यू कहां देनी है राइट कराने के लिए, आपको वैल्यू खुद से कहां प्रोवाइड करनी होगी, राइट कराने के लिए। और दो ही ऑप्शन आपके पास, हाई और लो। हाई मींस ऑन, हाई मींस 1, लो मींस 0, लो मींस ऑफ। इट मींस इफ यू वांट टू स्विच ऑन देन यू हैव टू प्रोवाइड हाई,
इफ यू वॉन्ट टू स्विच ऑफ देन यू हैव टू मैंशन लो. जो किसी को कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इज एनालॉग वर्जन्स. एनालॉग वर्जन्स ऑफ डिजिटल फंक्शंस. जिस तरीके से डिजिटल राइट एंड डिजिटल रीड फंक्शन होते हैं उसी तरीके से एनालॉग रीड एनालॉग राइट फंक्शन होते हैं. एनालॉग रीड मीन्स यू आर रीडिंग वैल्यू इन एनालॉग फॉर्म और यू आर टेकिंग सम सेंसर विच इज गिविंग यू द आउटपुट इन द एनालॉग फॉर्म. सेंसर से जो आउटपुट आपके पास आएगी वही आपके आर्डुइनो का इनपुट बनेगा. ओके सिमिलरली हो सकता है आप जिस डिवाइस को कंट्रोल करना चाहते हो वो डिवाइस एनालॉग सिग्नल लेता है. इन दैट केस यू विल यूज एनालॉग राइट. एनालॉग और डिजिटल में क्या मेन डिफरेंस क्या होता है दैट डिजिटल ओनली यूजेस टू डिस्क्रीट वैल्यूज आइदर ऑन ऑफ हाई लो वन जीरो. बट इन एनालॉग देयर इज अ सीक्वेंस. लाइक आपने साइनसोइडल वेव्स देखी होंगी. जो साइनसोइडल वेव होती है वो एनालॉग सिग्नल होता है जिसमें आपके पास हर टाइम इंटरवल पे शॉर्ट टाइम इंटरवल के ऊपर भी कोई ना कोई वैल्यू में वेरिएशन हो सकता है. सो एनालॉग रीड की रेंज यहां पर जैसे आपके पास दिख रहा है एनालॉग रीड की रेंज होती है वो 0 से 1023. नेक्स्ट इज सीरियल कमांड्स. सीरियल मॉनिटर पे अगर आपको कोई वैल्यू प्रिंट करानी है मींस आपको अपने कंप्यूटर का या लैपटॉप का डिस्प्ले भी यूज करना है आर्डुइनो प्रोग्राम के साथ तो आपको उसके लिए जो कमांड्स की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज योर सीरियल कमांड्स. कौन कौन सी कमांड्स रहती है इसमें प्रिंट प्रिंट एलन. प्रिंट प्रिंट एलन वैसे ही काम करते हैं जैसे जावा में करते हैं. प्रिंट फंक्शन प्रिंट एफ की तरह ही काम करता है. कुछ भी आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले कराना है उसके लिए राइट भी आपका काम करता है इन सेम मैनर. जब हम प्रोग्राम में यूज करेंगे तो मैं दोनों का डिफरेंस आपको बताऊंगा. एंड देयर इज अ फंक्शन डिले. डिले इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बिकॉज इन रियल वर्ल्ड देयर इज नो कंसेक्यूटिव ऑपरेशंस. लाइक अगर आप एग्जांपल देखते हैं लिफ्ट के डोर का. आपने एक बटन प्रेस किया लिफ्ट आपके पास आई डोर ओपन हुआ उस डोर ने कुछ देर वेट किया उसके बाद वो डोर क्लोज हुआ लिफ्ट गई फिर जो जिस फ्लोर तक आपको पहुंचना था वहां पहुंचे लिफ्ट का डोर लिफ्ट रुकी लिफ्ट का डोर ओपन हुआ कुछ देर के लिए ओपन रहा फिर क्लोज हुआ. ओके ओपन और क्लोज के बीच का जो टाइम था दैट इज नो ऑपरेशन. उसमें कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हुआ. ओके वो एक टाइम था एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जितनी देर वो पर्टिकुलर ऑपरेशन या कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशन स्टॉप था. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइट ब्लिंकिंग का देखते हैं लाइट ऑन हुई कुछ देर तक ऑन रहेगी फिर ऑफ हो जाएगी फिर कुछ देर तक लाइट ऑफ रहेगी फिर ऑन हो जाएगी तभी तो उसकी ब्लिंक आपको फील होगा कि लाइट ब्लिंक हो रही है. ओके दैट ब्लिंकिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ डिले. ऑन डिले ऑफ डिले ऑन डिले ऑफ डिले. इसी प्रोसेस में इसी मैनर में आप इसको यूज करेंगे तो आपकी लाइट ऑन कुछ देर के लिए फिर ऑफ फिर ऑन फिर ऑफ फिर ऑन फिर ऑफ. इस तरीके से आपको लगेगा कि वो एलईडी या कोई भी लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है. नाउ फर्स्ट प्रोग्राम इज योर ब्लिंकिंग ऑफ योर एलईडी. थोड़ा सा एलईडी को समझते हैं दैट व्हाट इज एन एलईडी. बेसिकली एलईडी इज योर लाइट एमिटिंग डायोड. लाइट एमिटिंग डायोड मींस एक ऐसा डायोड एक पीएन जंक्शन जिसमें से लाइट एमिट हो रही है पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके कोई भी कंपोनेंट है वो दो सिग्नल्स जरूर लेगा पॉजिटिव और नेगेटिव. सोर्स और सिंक एक तरफ से सप्लाई आएगी दूसरी तरफ वो सप्लाई चली जाएगी. पॉजिटिव इज योर सोर्स एंड नेगेटिव इज योर सिंक SINK सिंक. और जब ये लाइट इस पर्टिकुलर डायोड से पास होती है तब वो लाइट ग्लो करती है दैट इज योर एलईडी. दिखने में आपकी एलईडी इस तरीके से होती है. कभी आप ध्यान से देखेंगे एलईडी को तो उसमें उसकी एक लेग बड़ी होती है और एक लेग छोटी होती है. जो लेग छोटी होती है दैट इज योर कैथोड. इट मींस दैट विल बी कनेक्टेड टू नेगेटिव और टू द ग्राउंड and positive will be connected to the supply voltage. Circuit देखते हैं circuit किस तरीके से बनेगा. LED की एक line जो line है एक जो leg है that is negative leg cathode that will be connected to ground. Positive will be connected to a resistance. Arduino की किसी पिन पर आपने 1, 2, 3, 9, 10, 12 किसी भी पिन पर आपने इस रेजिस्टेंस की सेकेंड लेग को कनेक्ट कर दिया.
ये एलईडी लगाया हमने, एलईडी की जो छोटी लेग है उसको हमने ग्राउंड कर दिया, बड़ी लेग के साथ रजिस्टर लगाया, रजिस्टर की जो सेकंड है उसमें हम उसको हमने आर्डुइनो से कनेक्ट कर दिया। रेजिस्टेंस में कोई भी कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, रेजिस्टेंस आप किसी भी तरीके से किसी भी डायमेंशन में कैसे भी यूज कर सकते हो। ओके, आर्डुइनो बोर्ड को सप्लाई देने के लिए या तो आप लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो या आप अपने डीसी अडाप्टर एसी अडाप्टर के साथ जो भी आपके पास सप्लाई के लिए हो, बैटरी है जो भी कुछ है आप उससे इसको सप्लाई दे सकते हैं। इस ब्रेडबोर्ड में सप्लाई वो डायरेक्टली इसी पिन से ले लेगा, इस पिन पे जब आप ऑन करेंगे तो सप्लाई जाएगी, जब आप ऑफ करेंगे तो सप्लाई नहीं जाएगी। अब हम कोड देखते हैं, दिस इज योर कोड ऑफ ब्लिंकिंग एलईडी लाइट। ओके, सबसे पहले हमने कुछ नेसेसरी कमेंट्स जो करने थे अगर रिक्वायर्ड थे वो हमने कमेंट किए, देन सेटअप, हमने सेटअप फंक्शन में एक लाइन लिखी है, पिन मोड ब्रैकेट एलईडी बिल्ट इन कॉमा आउटपुट। एलईडी बिल्ट इन इज अ डिफाइंड कॉन्स्टेंट। नाउ आपको नहीं पता, आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, क्या क्या इसमें वैल्यूज हो सकती हैं, क्या क्या नहीं हो सकती हैं, स्ट्रेटली गो टू द हेल्प रेफरेंस, गो टू द हेल्प एंड रेफरेंस। यहाँ पर आपके पास पूरी की पूरी रेफरेंस बुक खुल जाएगी, इस रेफरेंस बुक में आप सारे फंक्शन, सारी वैल्यूज जो भी आप प्रोग्राम में यूज कर सकते हो वो सब आप देख सकते हो। इट्स अ डिक्शनरी फॉर योर आर्डुइनो आईडीई। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेटअप के बारे में पढ़ना चाहते हो, व्हाट इज सेटअप फंक्शन इज, सेटअप फंक्शन क्या काम करता है, वो सारा आप यहां से देख सकते हो। ओके, सिमिलरली अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका लूप फंक्शन क्या कर रहा है, आप लूप फंक्शन में देख सकते हैं। सिमिलरली अभी हमने क्या बताया था, पिन मोड, पिन मोड में जाते हैं, पिन मोड में डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजिटल पिन्स, सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स ये है कि आपको पहले पिन मोड लिखना है, फिर पिन लिखना है, फिर मोड लिखना है। हमने लिखा था अपने प्रोग्राम में पिन की जगह एलईडी बिल्ट इन। नाउ विल चेक व्हाट इज दिस एलईडी बिल्ट इन। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, प्रीडिफाइंड एक्सप्रेशंस होते हैं फॉर आर्डुइनो, हाई लो, जैसे मैंने भी आपको बताया था डिजिटल के केस में या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, ऑन मीन्स हाई, ऑफ मीन्स लो। ओके, पिछले लेक्चर्स में, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स 5 वोल्ट्स यूज करते हैं, कुछ कंपोनेंट्स 3.3 वोल्ट्स यूज करते हैं। ओके, सो जहां 5 वोल्ट्स यूज होता होगा वो 5 वोल्ट बोर्ड होगा, जो जहां 3.3 वोल्ट यूज होता होगा दैट इज 3.3 वोल्ट बोर्ड्स। अगर आप हाई करते हो किसी भी पर्टिकुलर पिन को, हाई भेजते हो, इट मींस 5 वोल्ट वाले बोर्ड को 5 वोल्ट सप्लाई मिलेगी एंड 3.3 वोल्ट वाले बोर्ड को 3.3 वोल्ट मिलेगी इन केस ऑफ राइटिंग। अगर आप राइट कर वैल्यू डिजिटल राइट में आप राइट कर रहे हो वैल्यू, हाई कर रहे हो, इट मींस वैल्यू 5 वोल्ट को 5 और 3.3 वोल्ट को 3.3 वोल्ट मिलेगी जब उसको एज अ आउटपुट आप यूज करोगे। ओके, वी आर डिस्कसिंग अबाउट एलईडी बिल्ट इन। एलईडी बिल्ट इन इज अ बिल्ट इन एलईडी इन द आर्डुइनो। नाउ दिस इज योर एलईडी बिल्ट इन। अगर आप आर्डुइनो बोर्ड को ध्यान से देखेंगे तो आर्डुइनो बोर्ड में एक एलईडी लाइट लगी होती है, दैट एलईडी लाइट इज कनेक्टेड योर पिन नंबर 13 ऑफ द बोर्ड, दैट एलईडी बिल्ट इन इज कनेक्टेड विद द पिन नंबर 13। आप चाहें तो अपने प्रोग्राम में यहां पर 13 लिख सकते हैं, 13 कॉमा आउटपुट, मींस अब आपने क्या किया, पिन नंबर 13 को आउटपुट में बना दिया, आउटपुट की तरह उसको डिफाइन कर दिया, अब पिन नंबर 13 एक आउटपुट पिन की तरह काम करेगी। ओके, अदरवाइज आपने कांस्टेंट जो ऑलरेडी इसकी लाइब्रेरी में डिफाइन नाम है एलईडी बिल्ट इन। ओके, एंड दैट एलईडी बिल्ट इन इज इंटरनली कनेक्टेड विद योर पिन नंबर 13। सो इट मींस आप प्रोग्राम में यहां पर एलईडी बिल्ट इन लिखोगे, इट मींस द एलईडी लाइट व्हिच इज internally connected with your pin number 13, that is your LED built in. Else you can write 13 1 3 over here like this, you can write 1 3 over here comma output. So ab aapki pin number 13 jo hai wo bhi output pin ki tarah kaam karegi. Jo bhi aap yahan par pin define karoge, LED built in define karoge, to LED built in hi use karenge aage. Agar aap yahan 13 likh doge to yahan par don lines mein bhi aapko 13 likhna padega. Now सेटअप में आपने क्या सेट किया, दैट योर पिन नंबर 13 और योर एलईडी बिल्ट इन इज एन आउटपुट पिन। नाउ कमिंग टू द लूप सेक्शन, इन द लूप सेक्शन देयर विल बी अ स्टेटमेंट फॉर स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ योर एलईडी लाइट, बिकॉज दिस प्रोग्राम विल वर्क एज ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी। ब्लिंकिंग मींस
ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ओके एंड देयर मस्ट बी सम टाइम गैप बिटवीन ऑन एंड ऑफ ओके फॉर दैट टू स्विच ऑन द एलईडी लाइट स्विच ऑन मींस आपने एक सिग्नल पास करना है आउटपुट को हमने यहां आउटपुट पिन बनाई थी अभी हमने आपको बताया था जब आप आउटपुट बनाएंगे देन इन दैट केस यू हैव टू यूज डिजिटल राइट जब आप कोई वैल्यू सेट करेंगे आउटपुट के केस में सो आप यहां पर कौन सा फंक्शन यूज करेंगे डिजिटल राइट व्हाई डिजिटल व्हाई नॉट एनालॉग बिकॉज दिस 13 इज अ डिजिटल जो ये पिन है आपकी पिन मोड 13 या एलईडी बिल्ट इन ये डिजिटल पिन होती है जिसको आपने एलईडी बिल्ट इन जहां पे यूज किया है सो डिजिटल पिन के लिए डिजिटल राइट होगा अगर कोई एनालॉग पिन होती तो उसके लिए आप एनालॉग रीड एनालॉग राइट यूज कर सकते थे डिजिटल राइट एलईडी बिल्ट इन कॉमा हाई हाई मींस ऑन अब एलईडी आपका ऑन हो जाएगा उसके बाद आपने डिले डिले इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन इट विल रिसीव अ कॉन्स्टेंट वैल्यू विच इज इक्वलेंट टू मिली सेकेंड्स इट मींस डिले के अंदर जो ये 1000 लिखा है इट मींस 1000 मिली सेकेंड्स के लिए ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता रहेगा लाइक पहली स्टेटमेंट डिजिटल राइट एग्जीक्यूट होगा फिर 1000 मिली सेकेंड्स तक यही काम करेगा उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी 1000 मिली सेकेंड्स इज इक्वलेंट टू 1 सेकेंड सो आपने लाइट ऑन की फिर आपने 1 सेकेंड वेट किया फिर आपने सिमिलरली हाई की जगह लो करना है स्टेटमेंट पूरी सेम रहेगी इट मींस अब आपने उस लाइट को ऑफ किया एंड देन फिर आपने 1 सेकेंड वेट किया इट मींस 1 सेकेंड के लिए लाइट ऑन हो रही है फिर 1 सेकेंड के लिए लाइट ऑफ हो रही है फिर 1 सेकेंड के लिए ऑन हो रही है फिर 1 सेकेंड के लिए ऑफ हो रही है और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपके आर्डुइनो को पावर मिलती रहेगी ये प्रोग्राम आपने लिख के उसके बाद आप यहां से वेरीफाई करेंगे इस पे क्लिक करेंगे वेरीफाई होगा वेरीफाई होने के बाद यू सिंपली अपलोड सिंपली अपलोड योर प्रोग्राम ओके इट विल गेट अपलोडेड इन दिस मैनर योर फर्स्ट प्रोग्राम विल वर्क फर्स्ट प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट थैंक यू Thanks for watching this video. Please do subscribe the channel, like the video and share it among with your friends and other people. Thank you. Thanks for watching.